एवरीवन, तो हम पहुंच चुके हैं ज्वाला माता के मंदिर और यहाँ पर पूरी रात हो गई थी हमें। हम यहाँ पर 12 बजे पहुँचे थे और आज परी का बर्थडे भी है। केक वगैरह बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करी बट काफ़ी शॉप बंद हो चुकी थी और यहाँ पर हमने मिल्क केक से ही परी का बर्थडे बनाया। तो परी का बर्थडे बना 1:30 बजे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो बर्थडे बना के हम लोग उठे अब मॉर्निंग में, मॉर्निंग के बज रहे हैं यहाँ पे 8:30 और अब करेंगे दर्शन ज्वाला माता के। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी, हम हैं ज्वाला मंदिर, आज ज्वाला जी के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे अगर पॉसिबल होगा तो। मेरी वीडियो इस वजह से लेट आ रही हैं और आएंगी क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से बिल्कुल भी वीडियो एडिटिंग नहीं हो पा रही है, ना कि अपलोड हो पा रही है। तो वीडियो थोड़ी लेट आएंगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। तो अब करेंगे ज्वाला मैया के दर्शन और अब सब रेडी हो चुके हैं और हम भी रेडी हो चुके हैं यहाँ पर, बस सब तैयार है और अब दर्शन करने के लिए चलेंगे। आपको आप यकीन नहीं मानोगे कि गुड्डू को कपड़े पहनाना कितना मुश्किल है और वो पूरी स्लीव के कपड़े नहीं पहन रहा था, तो बस इसीलिए रो रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे दोनों बच्चे, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं गोदी गोदी में और इनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से दोनों तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे और बहुत परेशान भी कर रहे थे। तो अब जैसे तैसे चुप हुआ है, कुछ चीज़ दिलाई और गोदी में रखा है। तो हम पहुंच चुके हैं माता रानी की चढ़ाई पे और काफ़ी शॉप भी खुल गई हैं, ज़्यादातर शॉप खुली रहती हैं, तो यहाँ पर पूरे जोरों शोरों से बाज़ार भर गया है और माता रानी के दरबार में भीड़ भी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि काफ़ी रोड खाली मिला था हमें और अब तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो गई है, मतलब आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, बाइक से, मतलब हर तरह की सहूलियत हो गई है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी चढ़ाई करने में या फिर उतरने में। बुज़ुर्ग आदमी हो या बच्चा हो, कोई भी हो जो पैदल नहीं चल सकता, उसके लिए भी काफ़ी सुविधाएं हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम दरबार में पहुँच चुके हैं। तो जी यहाँ पहुँच चुके हैं माता रानी के बिल्कुल पास में, बिल्कुल माता रानी के दरबार में, और फ़ोन अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, पुलिस वाले खड़े हुए थे। तो वहाँ के दर्शन तो मैं आपको नहीं करा पाई हूँ। ये है दूसरा मंदिर, मतलब ज्वाला माता का ही है और यहाँ पर भी है मंदिर, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर आपको दिखा दिया है। बाकी मंदिर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, भीड़ हमें बिल्कुल भी नहीं मिली थी। जिस तरीके से सोचा था कि हाँ भीड़ मिलेगी, उस तरीके से भीड़ हमें नहीं मिली थी। तो हमने बहुत ही अच्छे से 2-3 बार दर्शन करे थे और बहुत ही खुले दर्शन। ये हमारी पूरी फैमिली है तो यहाँ पर 1-2 पिक खिंचाई हमने। यहाँ पर है माता रानी का सिंहासन, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। माता रानी की कृपा यहाँ पर भी, माता रानी की कृपा तो हर जगह रहती है, बाकी यहाँ पर उन बंदों पर ज़रूर असर आता है जिन पर माता रानी की कृपा होती है, माता रानी का आशीर्वाद होता है, स्वयं अपने ऊपर, मतलब जैसे आती है माता रानी दर्शन देती है, वो चीज़ यहाँ पर बैठते ही उनके ऊपर कृपा कर देती है। तो देखिए आप यहाँ पर इस लड़की के ऊपर माता रानी ने कृपा करी, कृपा दिखाई। और अब ऊपर जाएंगे दूसरे मंदिर, हाँ
अच्छे हुए, दो दो तीन तीन बार हुए। तो वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी सब है ऊपर और धीरे 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 आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा मंदिर घूम के ऊपर तक गए थे, तो सब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। बाकी दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो कौन सी माता की होगी ये पता चलेगा आपको आगे। वीडियो देखते रहिए और चैनल करें सब्सक्राइब। बाय बाय।